डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन कोर्सेज प्रोग्राम। मैं आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। सब्जेक्ट अपना बीएमई है, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये देखिए, टॉपिक सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के हिसाब से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आप इसको देखते जाइए, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए, टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ना, टॉपिक का नाम है। क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे करना क्या है। मैंने एक पाइप ले लिया, इस पाइप की दो सेक्शन है, सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2। आपने एक पाइप ले लिया, पाइप के दो सेक्शन है, आपने एक पाइप ले लिया है। पाइप का जो देखेंगे डायमेंशन, यहाँ पे हमने माना ये सेक्शन 1-1 है, इसको हमने सेक्शन 1-1 नाम दे दिया है और सेकंड वाले को सेक्शन 2-2 नाम दे दिया है। एक पाइप है, हमने माना यहाँ पे सेक्शन 1-1 है, ये सेक्शन 2-2 है। और हमने माना पाइप में, यहाँ पर पाइप का जो एरिया है पहले वाले सेक्शन 1-1 पर वो A1 है और सेक्शन 2 पर पाइप का एरिया A2 है। पाइप का एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर है। और हमने माना यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है सेक्शन 1 पर वो है V1। सेक्शन 1 पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो है V1। सेक्शन 1 पर फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है और सेक्शन 2 पर फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है। हमने माना कि जो फ्लूइड एंटर कर रहा है सेक्शन 1 पर, उसकी डेंसिटी ρ1 है। और हमने माना कि जो फ्लूइड एग्जिट कर रहा है सेक्शन 2 से, उसकी डेंसिटी ρ2 है। आपने एक एलिमेंट लिया, एक पाइप लिया, पाइप के दो सेक्शन लिए, सेक्शन 1-1, सेक्शन 2-2। आपने माना कि सेक्शन 1 पर एरिया A1 है, सेक्शन 2 का एरिया A2 है। सेक्शन 1 पर पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है। सेक्शन 2 पर जो पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। और सेक्शन 1 पर जो डेंसिटी है वो ρ1 है, सेक्शन 2 पर जो डेंसिटी है वो ρ2 है। हम ये मान के चल रहे हैं कि डिफरेंट फ्लूइड हम ये सेम फ्लूइड अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये केस आएगा कि हम सेम फ्लूइड अगर हो तो डेंसिटी सेम होगी। यहाँ पे हमने ये माना कि एंट्री पे और एग्जिट पे फ्लूइड डिफरेंट है, या दो फ्लूइड डिफरेंट है तो उनकी डेंसिटी ρ1 ρ2 है। अब अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलती है मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1-1 इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2-2। ये बोलती है, इसका स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। आप बिल्कुल लिख लीजिए, अगर जैसे ना लिखा हो, वैसे आप लिख चुके हैं, आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। इन्वर्टेड कॉमा चालू करेंगे, आप लिखेंगे ये मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1-1 इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2-2। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1-1 मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1-1 इक्वल टू मास फ्लो रेट, इक्वल टू साइन लगाना है, मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2-2। तो देखिए, मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1-1 करेंगे तो हो जाएगा ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। ये वैल्यू हो जाएगी ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ ρ1 क्या है। ρ1 यहाँ पर जो है वो डेंसिटी थी सेक्शन 1 पर फ्लूइड की, A1 सेक्शन 1 का एरिया था, V1 फ्लूइड की वेलोसिटी थी सेक्शन 1 पर, और ρ2 फ्लूइड की एग्जिट जो फ्लूइड कर रहा था उसकी डेंसिटी थी, A2 एरिया था पाइप का सेकंड वाले सेक्शन पर, V2 वेलोसिटी थी फ्लूइड की सेकंड वाले सेक्शन पर। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर एनी फ्लूइड, ये कंटिन्यूटी, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन ही बोलते हैं फॉर एनी फ्लूइड। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर एनी फ्लूइड, फ्लूइड कैसे भी हो सकते हैं, मतलब दो फ्लूइड हो, मिक्सचर हो, दो फ्लूइड हो या एक से ज्यादा फ्लूइड हो, तो उस कंडीशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। लेकिन अगर फ्लूइड सेम हो, व्हेन फ्लूइड क्या हो, सेम, व्हेन अगर फ्लूइड सेम एंट्री कर रहा हो, सेम एग्जिट ही कर रहा हो, जो एंट्री करेगा वो एग्जिट करेगा, तो उस कंडीशन के लिए ρ1 = ρ2 = ρ हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम। अगर आप फ्लूइड को सेम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जो डेंसिटी होगी फ्लूइड की क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जब फ्लूइड की डेंसिटी सेम होगी तो आप कंडीशन रखिए ρ1 = ρ2 = ρ। इसी इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, तो 1 इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट, आप लिखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 में ρ1 के प्लेस में ρ लिख दीजिए, बाकी A1 V1 चल रहा है, A1 V1 चलने देते हैं, और ρ2 की जगह पे भी ρ लिख दीजिए, बाकी था A2 V2, तो A2 V2 है, ρ से ρ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी A1 V1 = A2 V2। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर सेम फ्लूइड।
अगर एंट्री भी कर रहा हो वही फ्लूड, एग्जिट भी कर रहा हो वही फ्लूड, तो उस कंडीशन में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन आती है वो आती है ए1 वी1 इक्वल टू ए2 वी2। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछी जाती है और न्यूमेरिकल लगाने में हर एक न्यूमेरिकल में ये अप्लाई होती है, जो कि मैं न्यूमेरिकल आपको करा चुका हूँ, जिसमें अपने बर्नौली के न्यूमेरिकल लगाए हुए थे, तो बर्नौली के न्यूमेरिकल में ही अप्लाई करना पड़ता है ए1 वी1 इक्वल टू ए2 वी2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको बोलते हैं फॉर सेम फ्लूड, ये सेम फ्लूड के लिए ए1 वी1 इक्वल टू ए2 वी2। और फॉर एनी फ्लूड के लिए क्या है, ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2। ये एनी फ्लूड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये सेम फ्लूड के लिए है जब पाइप में एंटर भी कर रहा है जो फ्लूड वो एग्जिट भी कर रहा हो। देखिए सिंपल लैंग्वेज में क्या समझेंगे इससे, मतलब ये है कि पर सेकंड में जितना मास फ्लो रेट एंटर कर रहा होगा पर सेकंड में उतना ही मास फ्लो रेट एग्जिट कर रहा होगा। सिंपल सा ये बोलती कंटिन्यूटी इक्वेशन कि मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1-1 इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2-2। इसको आप कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर आता है और ये बहुत एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लें, गेट, IAS, PSU, कोई भी एग्जाम जरूरी पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंडों में शेयर कर लें, जिससे सभी लोगों का इससे बेनिफिट हो सके। और आप आगे जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ। थैंक यू।